नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी भाटिया आपको बताएंगे इस बार धनिया में क्या उतार चढ़ाव रहेगा, क्या तेजी मंदी रहेगी, कितनी क्रॉप आने वाली है, कितना डेड स्टॉक है, कितना कैरी फॉरवर्ड है। नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। समय समय पर आपको धनिया व स्पाइसेस की कई आइटमों के बारे में अपने व्यूज़ देता रहता हूँ और आगाह भी करता रहता हूँ कि यदि ये हुआ तो ये होगा और यदि ये नहीं हुआ तो ये सा होगा। क्योंकि मैंने अक्टूबर में एक रफ सर्वे आप लोगों के सामने पेश किया था और उसमें एक विशेष बात थी कि मैंने 2019 में धनिया लगभग 75 रुपये तक पहुंचने की संभावना दिखाई थी। 2019 में बाज़ार लगभग 7100-7200 के आसपास आए, उससे आगे बाज़ार नहीं चल पाए। ठीक है, ये बाज़ार है, 75 वाली चीज़ यदि 71-72 भी हो गई तो उसको 75 ही माना जाएगा। जैसा कि मैंने अक्टूबर में वादा किया था कि 15 जनवरी के आसपास मैं एक नई वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, तो मैं वो वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मित्रों, हम बात करेंगे 2018 से 2019 में जब हम आए तो लगभग 1 फरवरी 2019 को मैंने लगभग 80 लाख बोरी पुराना माल होने की जानकारी जुटाई थी। उसके बाद फसलों की यदि बात करें तो लगभग 75 लाख बोरी 2019 में धनिया की नई फसल हुई थी। इस तरह से लगभग 1,56,00,000 बोरी हम लोगों के पास बची थी। चूंकि आज हम 15 जनवरी में बैठे हुए हैं, भारी बारिश हुई थी राजस्थान में व गुजरात में, इस वजह से फसलों की बुआई राजस्थान, MP, गुजरात तीनों जगह लेट तक बारिश चलती रही। इस वजह से फसलों का जो समय था वो गड़बड़ा गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इस बार जो कैरीओवर अनुमानित आंकड़े जोड़े हैं वो 1 मार्च 2020 से जोड़े हैं, यानी 2019 से 2020 के बीच में 13 महीने का गैप माना है। मित्रों, लगभग आज की तारीख में यदि स्टॉक की बात करते हैं, पुराना माल जिसमें 2016, 2017, 2018, 2019 जो भी माल है, तो 15 लाख बोरी राजस्थान, लगभग 12 लाख बोरी MP तथा लगभग 10 से 12 लाख बोरी गुजरात हम पकड़ के चलते हैं। इस तरीके से लगभग आज की तारीख में हम लोगों के पास 37-38 लाख बोरी माल अवेलेबल है। चूंकि हम 1 मार्च 2020 के यदि आंकड़ों की बात करें तो 2020 मार्च तक लगभग 10 से 12 लाख बोरी और खप जानी चाहिए। इस तरह से हमारे पास 1 मार्च 2020 को 25 से 27 लाख बोरी पुराना स्टॉक रहेगा। अब रहा सवाल आंकड़ों का, जो कि पहले के सालों में भी होता आया है,
जैसे राजस्थान में लगभग 87,500 हेक्टेयर में धनिया की बुआई की गई थी 2019 में, लेकिन मुश्किल से 19 लाख बोरी आई होगी, या कुछ लोग कहते हैं 21 लाख बोरी, हम 21 लाख बोरी 20 लाख बोरी जो भी हो वो पकड़ लेते हैं। इस साल राजस्थान सरकार जो आंकड़े दे रही है वो लगभग 23-24 लाख बोरी के दे रही है कृषि विभाग की, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें कहीं से भी फसल 20 लाख बोरी आ जाए ये भी मुमकिन नहीं है। मित्रों, एक मोटा अनुमान जो राजस्थान एमपी मैंने स्वयं ने सर्वे किया तथा गुजरात जो कृषि विभाग के आंकड़े हैं उनको पकड़ते हुए एक मोटा खाका जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, लगभग 15-17 लाख बोरी राजस्थान में फसल होगी, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं आएगी। इसी तरह से यदि एमपी की बात करें तो लास्ट ईयर लगभग 32-33 लाख बोरी हम लोगों ने आकलन किया था, वो सही उतरा, लेकिन इस साल 25-27 लाख बोरी हाईएस्ट मध्य प्रदेश में फसल होगी। इसमें जो नीमच बेल्ट है वहाँ कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, खिलचीपुर माचलपुर जीरापुर निश्चित रूप से फसल अच्छी है, वहाँ सवाई डेढ़ी भी मान के चल सकते हैं, लेकिन जो गुना बेल्ट है उसमें से कई एरिया कट चुके हैं। उसका कारण गेहूं की एमएसपी बढ़ना, जो कि मैं पूर्व में भी जिक्र कर चुका था, राजस्थान में भी इस फैक्टर ने काम किया है तथा मध्य प्रदेश में भी लगभग जगह पे, खासकर ये जो गुना वाला बेल्ट है जो परंपरागत से रूप से जो है गल्ले के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, तो उस बेल्ट की बात करें तो धनिया कुछ अशोकनगर बेल्ट में कटा है, कुछ जो ये कुंभराज से लगता हुआ एरिया है जो ग्रीन का एरिया है वो कटा है, इसकी बजाय कुछ 1,000-2,000 हेक्टेयर विदिशा भोपाल तक धनिया होने की संभावना है। तो एक मोटा सर्वे जो खाका बनाया है वो 80-85 लाख बोरी फसल आएगी, उसमें 15-17 लाख बोरी राजस्थान, 25-27 लाख बोरी मध्य प्रदेश तथा कृषि विभाग गुजरात के आंकड़ों पर विश्वास करते हुए 35-37 लाख बोरी गुजरात पकड़ के हाईएस्ट आकलन 80-85 लाख बोरी नई फसल हमारे हाथ आएगी, बशर्ते कि वो फसल सुरक्षित रूप से हम लोगों से, मतलब है किसानों के हाथ में या बाजार के लोगों के हाथ में आएगी। मित्रों, चूंकि 2019 में हम 80 लाख बोरी तो कैरी फॉरवर्ड ही लेके आए थे, लेकिन फसल 70-75 लाख के आसपास थी। अब चूंकि जो हम बम्पर क्रॉप की बात करते हैं तो राजस्थान व एमपी में तो फसल कम है, इसको कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। रहा सवाल गुजरात का, हालांकि गुजरात से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि कृषि विभाग के आंकड़े झूठे हैं, लेकिन ठीक है, हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के आंकड़े हो उनको पकड़ के चलना चाहिए। तो हमने इसी लिहाज से 80-85 लाख बोरी के बीच में टोटल फसल 35-40 लाख बोरी, 35-38 लाख बोरी अपने गुजरात की जोड़ते हुए 80-85 लाख बोरी नई फसल का आकलन
हमने किया है, चूँकि 1 मार्च 2020 को, उसके पहले कोई नया धनिया कॉमर्शियल वे में व्यापारिक रूप से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत छुटपुट आ जाए वो बात अलग है। तो 25 से 27 लाख बोरी हमने 1 मार्च 2020 का ओल्ड स्टॉक किना है। इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो भी 1 करोड़ 10 लाख बोरी हमारे हाथ में आती है, चूंकि 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख हम खपत मानते हैं, वो इस साल ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप 1 करोड़ 15 लाख बोरी को पकड़ लो तो हमारे पास लगभग नेक टू नेक वाली पोजीशन होगी कि जितनी फसल होगी और जितना माल हमारे पास रहेगा और जितनी खपत होगी, दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर भी बिल्कुल नेक टू नेक वाली स्थिति है। ये तो बात हो गई नेक टू नेक वाली, लेकिन 20 लाख बोरी हर साल डेड स्टॉक रह जाता है, इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो माल ऐसे लोगों का होता है जो चाहे 5,000 रुपये बोरी भी बिक जाए तो भी वो धनिया नहीं निकल सकता। तो ये तो बात हो गई फसल और उसके आकलन की। मित्रों, तेजी मंदी का व्यू मैं समय समय पर मार्केट को देता रहता हूँ, क्योंकि 2020 में 2016 की नोटबंदी के बाद जो एक मानसिक दबाव बना था, एक भ्रम, एक डर, एक भय का वातावरण तैयार हुआ था। दिनों दिन वो चीज़ कम होती चली गई, व्यापारी भयमुक्त भी हुआ और 2019 में काफ़ी माल पुराना स्टॉक का जो नहीं बेचता तो भी उसकी मजबूरी थी कि वो माल ख़राब होने लग गए थे। और अभी भी जो हम आकलन कर रहे हैं कि 25-27 लाख बोरी बचेगा, उसमें भी मैक्सिमम ऐसे माल बचेंगे जो 5-10 रुपये अंतर से बाज़ार में बिकेंगे। लेकिन मार्केट अब डर से भी ख़त्म हो चुका है, व्यापारियों ने धनिया व अन्य जिन्सों में पैसा भी कमाया है, खासकर जैसे सोयाबीन का भी काम करते थे। तो 2020 में जो एक मोटा आकलन है फसल के हिसाब से, 2020 में मार्केट हैंड टू माउथ चलेगा, मतलब खपत के साथ ही इतना ही माल है हमारे पास तो खपत के साथ ही माल बिकता रहेगा। लेकिन चूंकि हम ये मान रहे हैं कि साहब फसल बहुत बढ़िया है, लेकिन वास्तव में एक स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हम जैसे फसल बढ़िया मान रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जहाँ भी रिपीट फसल है, जैसे धनिया की जगह पे धनिया ही किया गया है तो वहाँ उतारा बहुत कम उतरता है, और ये जानकारी वाली बात नहीं है, ये सभी धनिया के व्यापारी खासकर जो सेलर पॉइंट पे बैठे हुए हैं वो जानते हैं। 2019 में फसल कम थी, बावजूद इसके बाज़ार नहीं बढ़ पाए, लेकिन 2020 में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2020 में भूचाल आ जाएगा, 2020 में मार्च में फसल आएगी, क्योंकि राजस्थान की फसल भी लगभग मार्च में आती थी, क्योंकि एमपी की फसल फरवरी में आ जाती थी, क्योंकि गुजरात की फसल जनवरी लास्ट से चालू हो जाती थी या फरवरी में चालू हो जाती थी, तो इतना बड़ा दबाव नहीं बनता था। इस साल मार्च में तीनों जगह की फसलों का एक साथ दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से बाजार टूटेंगे, ये निश्चित है। अब चूंकि मार्च में पैसे की भी तंगी रहती है, और यदि बाजार 5,500 रुपये लूज या 6,000 रुपये NCDX या 6,000 के आसपास, 6,000 के लपेटे में मशीन क्लीन की बिल्टियाँ मिलती है,
तो निश्चित रूप से उस माल पे हाथ रखना चाहिए, बिना डर बिना भय के वो माल लेना चाहिए। हाँ, एक बात जो एमपी के सर्वे में कई जगह पे झालावाड़ ज़िले में भी कई जगह आई है कि वो जो कुकड़ा या लोंगिया रोग लगता है वो लगना चालू हो गया। खासकर मैं आपको समझाऊँ तो जिस तरीके से हमारा ये शरीर है, शरीर के ऊपर आप देखना ये जो नसें होती है उनके अंदर गांठें बन जाती है, जो समय के साथ, समय से मतलब है कि उम्र के साथ वो गांठें दिखने लग जाती है। और जिस पौधे में ये जो लग जाता है, कुकड़ा बोलते हैं या लोंगिया बोलते हैं, वॉट एवर जो भी बोलते हों, वो लगता है नमी की वजह से, ज़्यादा नमी होती है वहाँ पे ये रोग निश्चित रूप से होता ही होता है। और जिसमें यदि ये लग जाता है उसमें धनिया लकड़ी की तरह हो जाता, मतलब वो धनिया नहीं रहता, वो लकड़ी बन जाती है। तो इस साल वो समस्या भी खासकर झालावाड़ ज़िले में या झालावाड़ राजस्थान से लगते हुए कुछ एमपी के एरिए में ये भी चीज़ देखने को मिली है। और ये आप खुद अपने हाथ से सर्वे करोगे तो खुद देख सकते हो। लेकिन इस साल विदेश में कहीं भी माल नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, विदेश में कहीं भी माल नहीं है। जो यूक्रेन, रशिया और वॉट एवर वो बुल्गारिया वगैरह का जो माल आता था, पिछले साल फसल नहीं थी और नई फसल जो भी आएगी वो माल हम लोगों के हाथ में अगस्त सितंबर में लगेगा। तो ये जो 8 महीने हैं तो एक्सपोर्ट के लिए माल टोटल भारत से ही जाएगा। और जो मेरा आकलन है वो नई फसल आते ही एक्सपोर्टरों का बहुत बड़ा दबाव रहेगा बाज़ार पे, और वो बाज़ार को खींच ले जाएंगे। खींच क्यों ले जाएंगे कि उन लोगों के सौदे हो जाते हैं साहब, मार्च का ये भाव, अप्रैल का ये भाव, जून का ये भाव, तो डिमांड बराबर बनी रहेगी। इसलिए यदि 5,000-5,500 लूज में मिलता है तो माल निश्चित रूप से मन में जितना बिना भय के ले लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि 2020 में भूचाल लाएगा, हाँ निश्चित रूप से 2021 में भूचाल आएगा, जो मार्केट परिस्थितियों का आकलन किया है उस हिसाब से। अब बात ये 2020 की कर रहे हैं हम, तो 2020 की ही बात करेंगे। 2020 में धनिया बिल्टी 80-85 के ऊपर निकलती है, या 7,500 के आसपास या 8,000 के आसपास लूज बनता है, तो निश्चित रूप से व्यापारी को जो भी 50-55-60 जो भी भाव लिया हो, वाट एवर, वो लगभग 75-80-70 जो भी उसकी एक गणित है उसके हिसाब से व्यक्ति को उसमें से निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? उसका कारण के पीछे के जो अनुभव रहे हैं, जैसे 2018 में लगभग 84 रुपये के आसपास आने के बाद बाज़ार टूट गया था, 2019 में 77-78 बाज़ार गया, लोग 85 में बैठ गए थे और बाज़ार उसके पहले ही धराशायी हो गया। इसलिए निश्चित रूप से आप 90 बिकेगा या 92 बिकेगा, 95 बिकेगा, इस पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन जैसे ही मौका मिले उसको बेचना भी चाहिए। हैंड टू माउथ का मतलब भी यही है कि पैसा मिलता रहे, माल बेचते रहो, सस्ता माल मिले माल लेते रहो।